गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिसक्मस एपिथेलियम एंड स्ट्रेडिफाइड स्क्स एपिथेलियम. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज क्यूबॉयडल एपीथीलियम सो क्यूबॉयडल एपीथीलियम के जो सेल्स होते हैं सेल्स आर क्यूब लाइक जो सेल्स होते हैं क्यूब जैसी शेप के होते हैं और इन क्यूब्स की जो लेंथ होती है एंड विथथ होती है मीन्स जो चौड़ाई होती है एंड लेंथ होती है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल सो दिस इज द न्यूक्लियस दिस इज द साइटोप्लासम एंड अगेन द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन सो वेयर इज क्यू क्यूबॉइडल एपिथिलियम प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द किडनी किडनी की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है एंड सेलिवरी ग्लैंड हमारे जो सेलिवरी ग्लैंड है उसमें भी हमें क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिलता है

सो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म एंड द बेसमेंट मेमरी इन मेडअप ऑफ कोलेजन सो इट इज प्रेजेंट इन दी इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन जो हमारा इंटेस्टाइन होता है जो इंटेस्टाइन होता है उसकी यह जो हमारा इंटेस्टाइन होता है उसकी इनर लाइनिंग्स में जो है कॉलोमिनार एपीथीलियम हमें मिलता है जहां पे मेजरली फंक्शन कौन सा चाहिए एब्जॉर्बशन का या सिक्रीशन का क्योंकि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है वो बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करता है और सेकेंडली जो हमारा इंटेस्टाइन है वो फूड को भी क्या करता है एब्जॉर्ब करता है सो इट इज प्रेजेंट इन द एरिया वेयर द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बशन एंड सिक्रीशन इज रिक्वायर्ड नाउ सिलिएटेड कॉलोमिनार एपिथीलियम दे आर जस्ट लाइक द Columnar are epithelial cell, but the difference is that they also contain an additional structure called cilia. Cilia are the hair like structure. They looks like hair. And they help in the rhythmic fashion. They help in the movement of substances in rhythmic fashion. Rhythmic fashion means in a particular direction. Rhythm ke chalna means proper a पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने में सीलिया जो है सब्सटेंसेस को हेल्प करते हैं नाउ दे आर प्रेजेंट इन लाइन ऑफ ट्रैकिया ट्रैकिया इज आर विंड पाइप ट्रैकिया क्या है हमारा विंड पाइप होता है तो वहां पे प्रेजेंट होता है ब्रोंकाय में ब्रोंकाय अगेन इज द पार्ट ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब इज द स्ट्रक्चर विच रिसीव्स द फीमेल गैमिट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड it helps it so ciliated columnar epithelial cells they specifically help in the movement of particles in one direction so they for example if there is a substance present here it will help this substance to move rhythmically in one direction so that is why uh, this is called as the rhythmic movement because it helps in movement in a particular direction and this

हारमोन्स सिक्रीट करने लग जाए ना हारमोन्स क्या होते हैं दे आर स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस दे आर स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी में हमारी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं सो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम सो ग्लैंडुलर एपिथीलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एपिथीलियल सेल बिकॉज इट सिक्रीट हार्मोन्स एंड हार्मोन्स दे इफेक्ट अवर बॉडी फंक्शनिंग डायरेक्टली सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एपिथीलियल टिश्यू सो दिस इज ऑल फॉर द डे एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन दैक्स्ट वीडियो थैंक यू